अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका नाम है रैपाचिनिस डॉटर, जिसको लिखा है नथानिएल हॉथोर्न ने। नथानिएल हॉथोर्न 1804 में पैदा हुए और 1864 में उनकी डेथ हो गई। नथानिएल हॉथोर्न 19th सेंचुरी के एक मशहूर नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। उनकी जो मेन नॉवेल्स हैं उनमें द स्कारलेट लेटर एंड द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनको जिनसे इनको बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ। इनकी एक और स्टोरी थी जिसका नाम ट्विस्ट टोल्ड टेल्स था, जो कि 1837 में लिखी गई। अब हम तो देखते हैं रैपाचिनिस डॉटर को देखते हैं, जो कि 1844 में लिखी गई और 1844 में ही पब्लिश भी की गई। कहानी के करेक्टर्स को देख लेते हैं। पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर रैपाचिनी हैं। ये डॉक्टर रैपाचिनी, ये हमारी कहानी के एंटेगोनिस्ट हैं। ये एक बहुत ही मशहूर साइंसदान हैं, जो पॉइजनस पौधे जो हैं वो अपने बाग में उगाए हुए हैं। इनको आगे पिएट्रो बेगलियोनी हैं, जो कि इनको कहते हैं कि ये इंसानी बका के लिए, इनको मैनकाइंड के लिए खतरा समझा जाता है इस कहानी में। दूसरे नंबर पे जो हमारे आते हैं उसका नाम है जियोवानी गोस्कोंटी है, जो कि इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। जियोवानी गोस्कोंटी एक कहानी जवान लड़का है, जो कि पेडुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है, और इसी तरह इसी दौरान इसको बियट्रिस नाम की लड़की है, जो कि रैपाचिनी की बेटी है, जिसके नाम पर यह कहानी भी लिखी गई, उससे मोहब्बत हो जाती है। हम चलते हैं तीसरे करेक्टर की तरफ, जिसका नाम है बियट्रिस। बियट्रिस जो है रैपाचिनी की इकलौती बेटी है। वो एक खूबसूरत लड़की है। इसको इस कहानी में बहुत ही इनोसेंट मासूम सा दिखाया गया है, कि जिसको मतलब दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है। चौथे नंबर पे आते हैं पिएट्रो बेगलियोनी, जियोवानी गोस्कोंटी पढ़ने के लिए आता है। जियोवानी जो हमारा मेन मेन किरदार है, ये उस कहानी के उसके प्रोफेसर हैं, और जियोवानी के वेलविशर भी हैं, जो इसका अच्छा चाहते हैं। पांचवें नंबर पे आते हैं लिसा बेटा की तरफ। लिसा बेटा ये कहानी का एक माइनर सा करेक्टर है, जिसका इतना कोई खास किरदार नहीं है। ये वही है जिन्होंने इन्हीं के पास आकर जियोवानी जो है वो रेंट पर मकान लेते हैं, और यही जो है जी वो जियोवानी को डॉक्टर पचीनी के बाग का रास्ता दिखाती हैं, कि यहाँ यहाँ से तुम बाग में दाखिल हो सकते हो। कहानी का जो नाम है, या कहानी का जो बेटी बियट्रिस के से मुतलिक है, कि बियट्रिस एक ऐसा किरदार है जो कि बहुत ही मासूम और प्यारी सी लड़की इसमें दिखाई गई है। दरअसल ये बियट्रिस ही थी जिन्होंने जिसने जान देकर अपने बाप को ये बताया कि ये चर्बात करते हैं, ये मैनकाइंड के लिए कितने हार्मफुल हैं। कहानी शुरू होती है जी, क्योंकि एक नौजवान लड़का जिसका नाम जियोवानी गोस्कोंटी है, वो पेडुआ यूनिवर्सिटी जो कि इटली में है, तालीम हासिल करने के लिए आता है। यहाँ पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते वो कोई अच्छा अपार्टमेंट अफोर्ड कर सके, इसलिए वो लिजा बेटा के मकान में छोटा सा कमरा एक लेकर उसमें वो किराए पर रहता है। कमरा इतना वो अच्छा नहीं था, उसकी काफ़ी खस्ता हाल थी, सूरत हाल थी। तो वो लिजा बेटा उसको कहती है कि सर, अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो आप खिड़की में से बाहर देखें, आपको यहाँ पर भी वही सूरज मिलेगा जो कि आप अपने शहर में मिलता है। और लिजा बेटा की बात सुनकर जियोवानी जो है वो खिड़की में जाता है, उसके साथ ही वो एक बाग देखता है, जो कि रैपाचिनी का बाग होता है। जियोवानी ने खिड़की से बाग में देखा तो उसे रैपाचिनी अपने पौधों की देखभाल करता हुआ दिखाई दिया। तो जियोवानी देखता है कि जो रैपाचिनी है, डॉक्टर रैपाचिनी, वो अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए और मास्क लगाए हुए उस बाग में बहुत एहतियात के साथ घूम रहा है, किसी पौधे को हाथ नहीं लगाता। तो वो एक खास कर्म के फाउंटेन या फुवारे के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर पर्पल कलर के फूल होते हैं, उनको बड़ी एहतियात के साथ चेक करता है, उनको टच भी नहीं करता, और अपनी बेटी को बुलाता है, अपनी बेटी को आवाज़ देता है। वो उसकी बेटी घर के अंदर से बाग की तरफ आती है। तो इसी में इसी इसी दौरान जो जियोवानी है बियट्राइस को देखता है, और वो उस देखता है कि वो बहुत प्यारी सी लड़की है। जियोवानी जो है वो पहले ही नज़र में बियट्राइस को बहुत पसंद कर लेता है। फिर जियोवानी देखता है कि जिन पौधों को डॉक्टर रैपाचिनी हाथ भी लगाने से मतलब डर रहे थे, उन्होंने वो ग्लव्स वगैरह पहने थे, बियट्रिस आई है, उसने उसको ऐसे ही देखा पकड़ा, उसने मतलब कुछ उसको नहीं हुआ, उसने ऐसे बस देखे उसको जैसे अपनी छोटी बहन समझ के उसको अपने गले से लगा लेती है उन फूलों को। फिर कुछ दिन ऐसे ही वो जियोवानी बियट्रिस को देखता रहा। वो देखता है कि एक दिन ऐसा होता है कि शाम के वक्त बियट्रिस जो है वो बाग में आती है, वो कुछ फूलों को तोड़ के तो वो सूंघने के लिए अपने करीब लेकर आती है। इसी दौरान एक छिपकली कह लें वो उसके पास आती है, तो उन फूलों में से एक कतरा जो होता है, उसके ड्रॉप जो होता है, वो गिर के उस छिपकली के या उस लिजर्ड के जो सर पे गिरती है। तो वो उसी दम जो है वो जो लिजर्ड है वो उसी जगह पे मर जाती है, दम तोड़ देती है उसके कदमों में ही बियट्रिस के। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक बड़ी प्यारी सी तितली है, वो उस बाग में से उड़ रही होती है। वो जैसी वो बियट्रिस के पास पहुँचती है,
तो वो एकदम से मर जाती है, उसी के मर के उसके कदमों में गिर जाती है। जिवानी इस लम्हे को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर इसको इग्नोर कर दिया। दिनों बाद फिर वो उसकी वो जिवानी जो है वो बियट्रिस को कुछ बाजार से फूल तोड़ फेंक, वो फूलों को जैसे ही वो फूल वो जो बियट्रिस है वो पकड़ती है, थोड़ी देर बाद वो फूल भी हाथों में मुरझा जाते हैं। तमाम जो सीन है देखकर जिवानी जो है वो एकदम से खौफजदा हो जाता है। फिर वो प्रोफेसर बेगलियोनी के पास जाता है, तो उसको बताता है कि जी ये सारा माजरा उसने देखा। उस फिर उसको बेगलियोनी प्रोफेसर बेगलियोनी बताते हैं कि डॉक्टर रेपाचीनी जो है वो अपने बाग में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बिना पर उनका जो बाग है वो बहुत पॉइजनस है, और उसकी बेटी भी हो सकता है वो पॉइजनस हो। वो पता है फिर आशिक तो आशिक होता है और प्यार जो है वो तो अंधा होता है। हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं जियोवानी किसी तरीके बाग में जाने की कोशिश करते हैं, तो इसी में एलिजाबेथ उनको बताती है कि उसको अगर वो सोने का सिक्का दे तो वो उसको उस बाग में जाने का रास्ता बताएंगे। जियोवानी जो है वो सोने का सिक्का देकर बाग में दाखिल हो जाते हैं बीट्रेस को मिलने के लिए। वो जैसे ही बीट्रेस से मुलाकात करते हैं तो वो एक पौधे को छूने की कोशिश करता है, बीट्रेस उसके बाजू को पकड़ के उसको पीछे कर देती है कि तुम इसको ना छुओ, तुम भी इसमें से जहरीले हो जाओगे। वो उसको बताती है कि वो बचपन से इस बाग में रही है, उसके अलावा उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसके बाप ने उसको बताया कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम जिंदा रहोगे, तुम अच्छे से रहोगे। तुम जवानी जो अगले दिन उठते हैं तो वो देखता है कि उसकी वो काफ़ी थका थका से महसूस कर रहा है, उसकी आंखें भी जर्द रंग की हो गई हैं। फिर वो उसके बाजू में देखता है, वो बड़ा पेन उसको फील होता है। वो उसको फिर उसको याद आता है कि जहाँ से बीट्रेस ने उसको पकड़ा था, उसके बाजू को पकड़ के छिटका रहा था, वहाँ पर निशान पड़े होते हैं, और उसकी उसको उस जगह पे काफ़ी जलन सी होनी शुरू हो जाती है। इससे वो समझ जाता है कि जो बीट्रेस है वो काफ़ी ही ज़्यादा पॉइजनस है, उससे खौफ ज़्यादा होने शुरू हो जाता है। प्रोफेसर जो हैं वो उसको मिलने आते हैं, फिर वो उसको देखते हैं उसकी हालत को देखकर उसको बताते हैं कि बीट्रेस से मुलाकात की वजह से तुम भी पॉइजनस हो गए, तुम में भी जहर के असरात आ गए हैं। प्रोफेसर बेगलियोनी उसको बताते हैं कि उन्होंने एक एंटीडोट डोट तैयार किया जिसको पीने से उसका जहर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन जियोवानी वो एंटीडोट लेकर पचीनी के बाग में जाता है, और वहाँ पर वो बीट्रेस को बहुत बुरा भला कहता है। उसको कहता है कि तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे जहरीला बना दिया है, जिसकी वजह से वो उसको बहुत बुरा भला उसको कहता है। बीट्रेस उसको रो रो कर बताती है कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं मुझे खुद इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं कि तुम्हें भी इसका असर हो जाएगा। तो जियोवानी उसको कहता है फिर तुम ये एंटीडोट है इसको पियो तो तुम्हारा जहर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बीट्रेस उसके कहने पर उस जहर को पी लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रेपाचीनी भी इस बाग में आ जाते हैं, और वो अपने बाप को कहती है सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को जहर में रखा और अपनी बेटी पर ही आप तजर्बे करते रहे हैं। इसी के साथ बीट्रेस जो है वो उसी जगह पर अपना दम तोड़ देती है अपने बाप और जियोवानी के कदमों में। सिर्फ बेगलियोनी जो है वो खिड़की में से खड़े होकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे, और वो ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहे थे, रेपाचीनी रेपाचीनी, क्या यही तुम्हारे तजर्बे का नतीजा था? और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। मज़ीद भी है कि कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।